जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम बता दें, आज है हमारे यहाँ शादी, तो आप सब लोग को सबको इनवाइट कर रही हूँ। सब लोग आइए हमारे साथ शादी में एंजॉय करने, और देखिए हमारे यहाँ किसकी शादी है। और आपको बता दें, आज है पूर्णमासी, तो हमारे यहाँ टेसू और झेंजी की शादी है। और यहाँ देखिए, इसका आ गई है थाली लेके, भात पहनाने के लिए आ गए हैं सारे भाई लोग। भाई शादी में सबसे पहला जो ओकेशन होता है वो भात पहनाने का ही होता है, यानी भैया लाते हैं शादी में देने के लिए। तो बस वही यहाँ टीका कर रही है सारे भाइयों का, और साथ में भाई टीका करके पैसे भी देते जा रहे हैं इश्का को। तो सबका टीका हो रहा है, और देखिए डरिया में भर के सामान लेके आए हैं भाई बहन की यहाँ शादी में। और आज हमारे ब्लॉग में पूरे एंड तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। देखिए भाई, तो यहाँ देखिए सारे भाइयों का टीका बारी बारी से हो रहा है। सारे भाई कुछ ना कुछ बहन के यहाँ शादी में देने के लिए कुछ ना कुछ लेके ही आए हैं, खाली हाथ तो भाई आते नहीं हैं। तो सारे भाइयों का हो चुका है टीका, और अब बहन जो है भाई को हाथ पकड़ के अंदर लेके जाएगी, क्योंकि सारे भाइयों का टीका हो चुका है। तो अब बहन ना लेके जा रही है भाई को अंदर। तो यहाँ देखिए प्रवेश हो चुका है, और सारे भतैया गीत गाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो भाई जो आते हैं उनको भतैया ही बोलते हैं, और कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं। और बारात आने लगी है, तो देखिए बारात और बारात बड़े धूमधाम से आई है बाजा गाजा के साथ में। और यहाँ हो रहा है टीका दूल्हा का, और यहाँ गा रहे हैं टीका। और टीका हो चुका, द्वारचार भी हो गया। अब भाई शादी तो अंदर मंडप के नीचे ही होती है, चौक में, बाहर तो होती नहीं। तो बाहर का सारा कार्यक्रम हो चुका, अब अंदर आ गए हैं। तो दीदी यहाँ चौक पूर रही हैं, और हल्दी से उसको पहले लीपा है, इसके बाद में उसके ऊपर चौक पूर रही हैं, क्योंकि यही होने वाली है शादी। तो पहले मंगल गीत गाए जाएंगे, बन्ना बन्नी गाए जाएंगे, है ना, इसके बाद में फिर शादी होगी, और बड़े धूमधाम से शादी होगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। और दीदी सब बताती जा रही हूँ, उसी तरीके से करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको सब मालूम है कैसे क्या करते हैं। और यहाँ गीत गाए जा रहे हैं और डांस हो रहा है। दीदी यहाँ पोछ रही थी तौलिए से, क्योंकि उसमें दिया जल रहा था, मुंह उनका काला काला सा हो गया था, तो उसी को पोछ रही थी। तो वही हंस रही थी सब लोग, कि देखिए कितना लाड़ कर रही है दूल्हे पे। और यहाँ चल रही है, आ
और यहाँ देखिए दीदी कर रही हैं गठबंधन, क्योंकि अब भांवर पड़ने वाली है, तो यहाँ हो गया गठबंधन और अब पड़ रही हैं भांवर। और इनकी भांवर मैं बता दूं कि तीन भांवर ही पड़ पाई थी, तीन भांवरों के बाद ही झंझी के घर वालों ने आके शादी को रोक दिया था और वहीं उनको मार दिया था। जबकि टेसू ने शादी के लिए बहुत संघर्ष किया, इनके पिताजी ने बोला कि 9 दिन आपको भीख मांगनी पड़ेगी, तो इन्होंने घर जाके भीख भी मांगी, सब कुछ किया, लेकिन पूर्णमासी के दिन शादी का वादा करके भी शादी अधूरी कर रखवा दी, शादी पूरी नहीं हो पाई और फिर मार भी दिया वहाँ। तो उसी परंपरा के तौर पे शादी की जाती। अब देखिए अब टेसू को तीन भांवर के बाद में उठा के ले गए और सारे बच्चे ना बहुत दूर ले जा कर के इनको पीटते हैं, तो देखिए सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए। सच में दुख तो होता है कि किसी ज़माने में ऐसा हुआ होगा। और अब हमारी झंझी को भी ले जा रहे हैं, तो ये लड़कियां ही लेके जाती हैं बाहर दरवाजे के बाहर, इसको लेके नाचती हैं और नाचने के बाद में ही वही नाचते हुए फोड़ भी देती हैं। तो यहाँ देखिए ईशिका नाच रही है इनको लेके और नाचते ही ना, और बस अब यहीं फोड़ देगी। और अब जो फोड़ा है ना, झांझी को फोड़ दिया, तो जो मिट्टी है ना उसको सब लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो यहाँ देखिए सब लोग उसका प्रसाद ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, और अब सब लोग जाने की तैयारी में हैं। तो यहाँ सबको प्रसाद बांटा जा रहा है, तो यहाँ दीदी सबको प्रसाद बांट रही हैं। और जानते हैं हम लोगों को भी इतना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ ये सब ये लोग जानती हैं, इन्होंने बहुत अच्छे सारे रीति रिवाजों के साथ में शादी करवाई। और यहाँ सब लोग अपने घर जा चुके हैं। और मैं पूड़ियाँ मैंने सेक दी थी, लेकिन फिर मैंने कहा जब खाएंगे ना तब गर्म ही सेक देंगे, मतलब ठंडी पूड़ियाँ तो बहुत बेकार ही लगती हैं, तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ गर्म सेक के यहाँ सबको खाना लगा दिया मैंने। तो यहाँ सब लोग खा रहे हैं खाना, और खाना वाना सबका होने के बाद में सबने खा पी लिया। मैं धुल रही हूँ सारे बर्तनों को, क्योंकि लास्ट काम सारे कामों के बाद में बर्तन और किचन ही रह जाती है, तो बस मेरा ये काम भी निपट जा रहा है। और फ्रेंड्स, कार्तिक मास शुरू होने से पहले जो पूर्णमासी होती है, उस पूर्णमासी को ही टेसू और झांझी की शादी करवाई जाती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ये शादी होती है, आप लोगों के भी यहाँ इस तरीके से रीति रिवाजों से कराई जाती है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं यहीं पर करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग, और आज मेरे झांझी और टेसू की शादी भी हो गई, आप लोगों ने देखा, बहुत इन्जॉय भी किया होगा भाई। इसी तरीके से सारे रीति रिवाजों से ही शादी होती है, और इनकी शादी ना बताते हैं भाई पुराने, हम देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन हाँ दादी नानी लोग बताती हैं कि इनके तीन फेरे ही हुए थे, और इसी बीच में झांझी के घर वालों ने आके उसको मार दिया था, तो उनकी शादी क्या अधूरी रह गई थी। लेकिन इनको ये वरदान प्राप्त है कि जब तक इनकी शादी नहीं होगी तब तक शादियां शुरू नहीं होंगी, तो इनकी शादियां पहले की जाती हैं, और वो भी आधी शादी होती है, आधी शादी के बाद झंझी को फोड़ दिया जाता है और टेसू को भी सिर से अलग कर दिया जाता है। तो भाई जैसे बताते आते हैं परंपरा है, उसी प्रकार से होता है। तो भाई हमारे यहाँ का तो आप लोगों ने देख लिया, अब मुझे ये नहीं मालूम कि हर जगह ऐसा किया जाता है या नहीं किया जाता, हमारे यहाँ ऐसा होता है। और तो आज हो गई शादी, बहुत अच्छे से संपन्न हुई, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया सब कुछ, जैसे सारी चीज़ें होती हैं शादियों में हमारे यहाँ, उसी तरीके से शादी हमारे यहाँ हुई सारे रीति रिवाजों के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक इंटरेस्टिंग वीडियो आ सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ कोई मिस ना हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।